हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब प्यारे बच्चों। आज ड्राइंग की क्लास में हम लोग सीखने जा रहे हैं कार्टून ड्राइंग, और जिसमें हम सीखेंगे डिफरेंट थीम्स पर कार्टून ड्राइंग। और इसमें मैं आपको बताने वाली हूँ कि कार्टूनिंग हम करते कैसे हैं, जो मैं आपको बहुत ही इजी मेथड से सिखाऊंगी। तो चलिए प्यारे बच्चों, हम स्टार्ट करें अपने काम को। तो बच्चों, हम अपना ये ड्राइंग का काम स्टार्ट करने से पहले आपको मटेरियल बता दें जिस चीज़ की आपको ज़रूरत पड़ने वाली है। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, पेंसिल, इरेजर, स्केल, कुछ ऑब्जेक्ट्स जैसे सर्कल, इसके अलावा और भी कुछ ऑब्जेक्ट्स आपको ज़रूरत पड़ेगी अपनी ड्राइंग के अकॉर्डिंग, तो आप उसे इकट्ठा करेंगे। स्केच पेंस, साथ में आपको एक कॉटन का कपड़ा और कलर्स, और नीचे रखने के लिए बोर्ड और ड्राइंग शीट। तो बच्चों, हमें सबसे पहले कैसे अपने काम को स्टार्ट करना है, यहाँ पर देखिए, मैं आपको बहुत ही इजी मेथड से एक एक चीज़ मैं आपको बताने वाली हूँ और आप उसे समझेंगे। जैसे मान लीजिए हमें ट्री ड्रॉ करना है, सिंपल ट्री है, आपको कुछ परेशान नहीं होना है, कोई स्केल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कहीं इरेजर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप बिल्कुल आराम से ड्रॉ करिए। इसके बाद अगर आपकी लाइंस टेढ़ी होती हैं, होने दीजिए। कर्व वाला ट्री, माउंटेन्स पर होने वाला ट्री, इसके अलावा जब आपको कोई गोल चीज़ ड्रॉ करने की ज़रूरत आएगी तो ये आप ऑब्जेक्ट रख करके अपने अकॉर्डिंग इस तरीके से आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं। मैं हल्का सा आपको ड्रॉ करके दिखाती हूँ। यहाँ पे मान लीजिए मुझे अर्थ बनानी है, तो मैं आपको हल्का सा ड्रॉ करके बताती हूँ। बच्चों ये देखिए, इस तरह से हम अर्थ का लुक दे सकते हैं। फुल अर्थ बनानी है, आप फुल राउंड लगा देंगे। और हमें कार्टून्स कैसे बनानी है, यहाँ पर देखिए, बहुत ही इजी मेथड में फेस, आपको ये नहीं सोचना है कि मेरा गलत हो गया है तो मैं बार बार इरेजर का यूज़ करूं, नहीं, ऐसा नहीं है। हैंड्स, ये हमारी कार्टून ड्राइंग है, और आप जैसा भी फ्री हैंड में ड्राइंग करेंगे बच्चों, उतना ही आपका सुंदर लगेगा। आईज, माउथ, ईयर, इसी के साथ और भी कोई आप इसमें कार्टून जोड़ना चाहते हैं, मान लीजिए गर्ल का जोड़ना है या लेडी का जोड़ना है, तो आप उसको भी इसी तरीके से बनाएंगे। लॉन्ग हेयर कर सकते हैं, फेस, आईज, नोज और माउथ, और फिर इसके वही हैंड्स, बॉडी पार्ट, कोई भी ड्रेस आप इसके लिए यूज़ कर सकती हैं। ये देखिए, है ना कितना इजी बच्चों। अब मान लीजिए आप इसमें कोई एनिमल दिखाना चाहते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल कैट दिखाना चाहते हैं, यहाँ पर देखिए एक बार, यहाँ पर देखिए कैट बनाना चाहते हैं, कैट के ईयर, फेस, आईज, नोज और ये माउथ। और ये इसकी बॉडी, यहाँ पर आप इसकी टेल दिखा सकती हैं। बच्चों ये आपके लिए ड्राइंग है और बहुत ही इजी मेथड में है।
अब आपको ये सोचना है कि मुझे कौन सी ड्राइंग तैयार करनी है। ये सभी मैंने आइटम्स आपको ड्रॉ करके बता दिए हैं। अब आप इन्हें किस तरीके से असेंबल करेंगे ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। स्केचिंग करने के बाद अपने अकॉर्डिंग इसमें कलरिंग स्टार्ट करेंगे। तो बच्चों यहाँ पर हमारी स्केचिंग ब्लैक स्केच का काम कंप्लीट हुआ है और अब इसमें आती है कलर करने की बारी। जिस कलर स्कीम को मैंने पसंद किया है बच्चों वो देखिए यहाँ पर डार्क ग्रीन लाइट ग्रीन। ये हम अपने ड्राइंग में थोड़ा वेरिएशन दिखाएंगे कि कौन सा ट्री किससे अलग है। स्काई में करने के लिए आप लाइट ग्रीन लाइट ब्लू या डार्क ब्लू जो भी है आपके पास उसका यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा इनके ड्रेसेस में आप पिंक रेड और अपोजिट कर सकते हैं, ऊपर पिंक नीचे रेड। इसी तरीके से इस बॉय में आप ग्रीन और ब्राउन का यूज़ कर लेंगे। यहाँ पर अर्थ है तो डार्क ग्रीन या लाइट ग्रीन दोनों का कॉम्बिनेशन यूज़ कर सकते हैं। ये एनिमल है, इनको ब्राउन और येलो से बनाना है। यहाँ पर अर्थ में हम ब्लू का यूज़ करेंगे, फोरग्राउंड में हम डार्क येलो कलर का यूज़ करेंगे और इस तरीके से आगे हम बढ़ेंगे। मैं थोड़ा सा आपको कलर करके दिखाती हूँ। यहाँ पर देखिए इसकी ड्रेस में, स्पेशली ड्रेस में ड्राइंग थोड़ी ज़्यादा है यहाँ पर, तो बहुत ही आराम से आप हाथ चलाएंगे अपना। तो इस तरीके से बच्चों आप ड्राइंग जो है कंप्लीट करेंगे अपनी और पूरे पेशेंस के साथ आप काम करेंगे। मेरे साथ साथ आप भी अपने काम को स्टार्ट करिए। यहाँ पर हमने इसकी ड्रेस में काम किया है, इसी तरीके से इसके ड्रेस में ऊपर हमने बैलेंस करने के लिए पिंक कलर का यूज़ किया है। नीचे की साइड रेड लगाएंगे और साथ साथ कलर में फिनिशिंग भी देते हुए चलेंगे। तो बच्चों यहाँ पर हमारी ये शीट लगभग कंप्लीट हुई है। थोड़ा सा काम इसमें और बाकी है जो मैं आपको साथ साथ बता रही हूँ। कलर्स मैं आपको पहले ही इसमें बता चुकी थी, तो इसको हम थोड़ा सा कंप्लीट करते हैं। बच्चों मेरे साथ साथ आप भी अपनी शीट को कंप्लीट करिए। आराम से अपने हाथ की मूवमेंट दीजिए। इसके साथ हम डार्क येलो कलर का यूज़ करेंगे यहाँ पर। बच्चों हमारा बैकग्राउंड और फोरग्राउंड दोनों ही हमारे यहाँ पर कंप्लीट हुए हैं। अब हमें देखना है कि हमारी शीट में कौन सा पार्ट रह गया है।
फाइनली हमें अपनी शीट को एक बार देखना ही होता है। यहाँ पर दो कैट्स रहती हैं बेटे, तो हम कंप्लीट करेंगे इनको ग्रे और ब्राउन से, अपोजिट कर देंगे। दो कैट्स हैं, एक के फेस को ग्रे करेंगे और दूसरी कैट को हम उसकी बॉडी को ग्रे बना देंगे, तो कलर बैलेंस यहाँ पर हो जाएगा। थोड़ा सा ब्राउन कलर का भी टच हम दे देंगे और बहुत ही सॉफ्ट हैंड से दूसरी कैट में ब्राउन लगाएंगे। जो यहाँ पर हमारी ये शीट कंप्लीट हुई है, आप देख रहे हैं जो हमने शीट बनाई है, जैसा कि हमने इसका टॉपिक दिया है हैप्पी एनवायरनमेंट, तो ये एनवायरनमेंट भी जो हमने दिखाया है वो सचमुच हैप्पी है। तो हमें अपने एनवायरनमेंट को इसी तरीके से नीट एंड क्लीन रखना है और आगे भी ध्यान रखना होगा कि हमारा एनवायरनमेंट, हमारी अर्थ बहुत ही नीट एंड क्लीन बनी रहे और एनवायरनमेंट भी हमारा हैप्पी हैप्पी बना रहे बच्चों। तो बच्चों इस ड्राइंग में, कार्टून ड्राइंग में, हम आपको यहाँ पर ये बताना चाह रहे हैं, जो मैसेज देना है आपको, स्टे सेफ। जैसा कि ये टॉपिक दिया हुआ है, COVID-19 में हमें अपने घरों में बहुत ज़रूरी है, तो ही हम घर से बाहर निकलेंगे और सेफली रहेंगे। यहाँ पर कोरोना जो है वो परेशान है और एक बॉय जो है वो उसको कोल्ड हुआ है और उसने कोई मास्क का यूज़ नहीं कर रखा है। दूसरा बॉय है जो बहुत ही सेफ है, उसने मास्क यूज़ कर रखा है और वो उसको मैसेज दे रहा है कि तुमको भी ऐसा रहना चाहिए था, अदरवाइज़ इसका आपको प्रॉब्लम हो सकती है, जैसा कि यहाँ पर हमने दिखाया है। क्योंकि ये हमारी कार्टून ड्राइंग है तो इसी तरीके से हमको इसमें ड्रॉ करना है। अच्छा बच्चों, लाइंस अगर थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं ड्रॉ करते समय तो आप परेशान मत होइए। और इसी के साथ हम शुरू करेंगे स्केच पेन से आउटलाइन का। तो आउटलाइन आपको हमने पिछली ड्राइंग में भी बताई है, यहाँ पर फिर हम आपको बता रहे हैं, आप स्केच पेन को थोड़ा सा पीछे की तरफ से पकड़ेंगे और आराम से आप ड्राइंग करेंगे, इसमें स्केचिंग करेंगे। आप देख रहे हैं बच्चों किस तरीके से हम इसमें स्केचिंग कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए कोरोना में आपको किस तरीके से स्केचिंग करनी है, सिंपल। वायरस को आप बड़े आराम से दिखाइए, इस तरीके से आप सभी की स्केचिंग शुरू करेंगे। तो बच्चों आपकी यहाँ पर शीट में स्केचिंग यानी ब्लैक आउटलाइन कंप्लीट हुई है। अब आती है कि हम इसकी कलर स्कीम क्या रखें। तो बच्चों आप अपनी कलर स्कीम अपनी शीट के अकॉर्डिंग, अपनी ड्राइंग के अकॉर्डिंग आप रखेंगे। यहाँ पर इस ड्राइंग के अकॉर्डिंग मैंने जो कलर स्कीम सोची है वो मैं आपको बता रही हूँ। हेयर ब्राउन कलर, फेस आप येलो कर सकते हैं, इसकी
शर्ट में आप ब्लू, जैसा कि यहाँ पर मैं दिखा रही हूँ, अपोजिट करेंगे, ब्लू रेड अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट करेंगे आप रेड ब्लू रेड ब्लू, इस तरीके से। और ये जितने कोरोनाज हैं इनको आप अलग अलग कलर का, क्योंकि ड्राइंग है तो अलग अलग कलर को बैलेंस करते हुए आप यहाँ पर कर सकते हैं। जैसे आप येलो कलर का यूज़ करेंगे तो एक बार और येलो कलर करेंगे, सेम अगर आप ग्रीन कर रहे हैं तो दूसरी बार भी आप ग्रीन कलर यूज़ करेंगे। सिंपल है बच्चों, कलर की बैलेंसिंग बहुत ही ज़रूरी है। जिस कलर को हमने एक बार यूज़ कर लिया है उसको सेकेंड चांस यूज़ करना बहुत ही ज़रूरी है। इसी के साथ यहाँ पर जो हमने कैलीग्राफी की है उस कैलीग्राफी को आप बहुत ही अच्छे ढंग से दिखाएंगे, क्योंकि ये हमारा मैसेज ड्राइंग है। तो यहाँ पर हमने काफ़ी बोल्ड लेटर्स में कैलीग्राफी को बहुत ही सुंदर तरीके से लिखा है। और ये जो एक स्पेशल करोना हमने बनाया है उसमें हमने कलर स्कीम रेड रखी है, इसीलिए इस रेड कलर को हम यहाँ पर भी यूज़ करेंगे। तो बच्चों थोड़ा सा हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं आपके लिए। सबसे पहले हम चलिए कलर कोरोना से ही स्टार्ट करेंगे। राउंड राउंड हैंड चलाते हुए आप आगे की तरफ बढ़ेंगे। येलो आप बहुत ही आराम से कलर लगाएंगे, क्योंकि कहीं कहीं पर ड्राइंग काफ़ी छोटी है, पेशेंस के साथ काम करेंगे। यहाँ पर देखिए ग्रीन अब एक बार हमने ग्रीन लगा लिया है तो सेकंड चांस भी ग्रीन लगाने की बात आएगी बच्चों। ये देखिए, तो इस तरीके से आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। कलर स्कीम आप नोट कर लीजिए या फिर आप अपनी ड्राइंग के अकॉर्डिंग अपनी कलर स्कीम को चूज करेंगे। तो बच्चों यहाँ पर हमारी ये शीट कंप्लीट हुई है, और जिस तरह का कॉम्बिनेशन मैंने आपको बताया था सेम कॉम्बिनेशन का यूज़ करते हुए इस शीट को हमने कंप्लीट किया है। जहाँ पर भी आपको ये लगता है कि यहाँ पर हमारे काम में कुछ कमी है या कलरिंग कंप्लीट नहीं हुई है, वहाँ पर आप काम को करना नहीं भूलेंगे, और इस तरीके से आप काम को कंप्लीट करेंगे। तो बच्चों यहाँ पर हम रोड सेफ्टी पर काम कर रहे हैं, जैसा कि आप देख ही रहे हैं। इस टॉपिक में बता रहे हैं हम आपको कि बच्चे रोड पर फ्रीली खेल रहे हैं, और ये कार्टून कह रहा है कि रोड खेलने के लिए नहीं है। तो ये सब आप बातें जानते हैं। इसी के साथ बच्चों हम स्केचिंग करने के बाद आउटलाइन करेंगे, जो कि आप पहले भी कर चुके हैं, और बहुत ही आराम से आप स्केचिंग करेंगे इसमें। लाइन से हट करके अगर स्केचिंग हो भी जाती है तो आपको इसमें परेशान नहीं होना है, बाद में आप उसको इरेज कर सकते हैं। इस तरह से बच्चों आप इस पूरी ड्राइंग की ब्लैक आउटलाइन तैयार कर लेंगे। तो बच्चों यहाँ पर हमारी स्केचिंग कंप्लीट हुई है, और इस शीट का, इस ड्राइंग का हमारा टॉपिक है रोड सेफ्टी, जैसा कि आप देख ही रहे हैं। और यहाँ पर जो है वो बच्चे खेल रहे हैं, और जो कि बहुत ही गलत मैसेज जाता है। तो रोड पर खेलना गलत है, इसलिए ही हमने इस थीम, इस ड्राइंग का टॉपिक जो है रोड सेफ्टी रखा। आपको मैं बताने के लिए ये चाह रही हूँ कि जो कलरिंग हमने चूज़ की है वैसे आप अपनी कलरिंग की स्कीम आप अपने अकॉर्डिंग रखेंगे। यहाँ पर देखिए ट्रीज लाइट ग्रीन और डार्क ग्रीन वेरिएशन के साथ आप करेंगे।
शर्ट रेड, जीन्स ब्लू, सेम आप इसी चीज़ को इधर भी बैलेंस करेंगे। ये बात मैंने आपको पहले भी बताई है, क्योंकि कलरिंग को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी होता है। कलर्स कैसे किए जाते हैं इसके बारे में मैंने पहले भी आपको कई बार बताया है, फिर भी आप एक बार यहाँ पर देखिए, जिस तरह के कर्व आएंगे आप अपने हाथ की मूवमेंट को उसी तरीके से मोड़ देते हुए चले जाएंगे बच्चों। तो मेरे साथ साथ आप कलरिंग को स्टार्ट करिए। तो बच्चों यहाँ पर हमारी ये रोड सेफ्टी की शीट कंप्लीट हुई है। आप अगर इस शीट को बनाते हैं तो इस कलर स्कीम को रख सकते हैं, या फिर अगर कोई और आप शीट बनाना चाहते हैं तो उसकी कलर स्कीम आप अपने मनपसंद के अनुसार रखेंगे। तो बच्चों इस शीट को बनाइए आप और फिर हमें इसको दिखाइए भी।